नमस्कार और आदाब। आज सनीचरे मई के 22 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन के खबरें। सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम जो है ये बुध के शाम को ये फैसला लिए है। कम्बियोस और बंकन को इजाज़त दिया गया है मई के 20 तारीख से US डॉलर के वास्ते, अमेरिकन डॉलर के वास्ते एक मक्सिमल कोर्स हंतेर करने को। ये है 21 SRD का, ये मैक्सिमम कोर्स जो है 21 SRD 1 US डॉलर के वास्ते लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिनिमम कोर्स दिया गया है 14.29। लेकिन अगर मैक्सिमम कोर्स है जो लोग जिसके साथ काम कर सकते हैं, तो 14.29 अब कौन इस्तेमाल करेगा, यह सवाल का जवाब आप खुद दीजिए। यह सवाल भी किया गया है, तो कोई भी ये इस्तेमाल नहीं करेगा, सभी मैक्सिमम कोर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हम आपको बता दें कि कोर्स पर पाबंदी नहीं लगाया गया है, ये छोड़ दिया गया है कुछ हद तक, क्योंकि ये भी IMF का एक मांग है। IMF का एक मांग है और ये कहा जाता है कि मुमकिन है, हो सकता है कि कोर्स जो है ये 25 SRD तक आ जाएगा और उसके बाद स्टेबिलाइज़ होगा। और ये स्टेबिलाइज़ होगा या नहीं, कहाँ तक आएगा, ये अभी तक पता नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर और ऊंचा होगा ये कोर्स, तो इस पर पाबंदी लगाया जाएगा और लोग एक मातृखलन लेंगे, लोग मातृखलन लेंगे, सरकार मातृखलन लेंगे ये कोर्स काबू में रखने के वास्ते, और कैसे ये काबू में रखा जाएगा। वैसे फिनांशियल क्रिंगन से ये पता चलता है कि न सिर्फ IMF का दबाव है या बाहर से है, लेकिन यहाँ खुद सूरीनाम देश में भी कोर्स पर बहुत से दबाव है और बहुत से लोग जो है ये US डॉलर्स के तलाश में है। अगर मांग ज़्यादा है तो इसका खर्च कमताई होगा, ये भी कहा गया है। बंकन और एक्सपोर्टर्स जो है ये सब को काफ़ी हानि होता है ये ऊँचा कोर्स के साथ, ये भी लोग कही है। पिछले 2 हफ्तों से हम आपसे बात करते हैं, हम आपको बताए कि शोसेट निवाहाफन कॉम्प्लेक्स पर वहाँ पर 100 कंटेनर्स कब्जे में लिया गया, जिसमें इलखाल हाउस था, लकड़िया था जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया गया था। सभी कंटेनर सील हो चुके थे, सेखल हो चुके थे, इसका मतलब ये है कि दुआना के कंट्रोलर पास किए हैं। इस मामले में कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुल मिलाकर 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं। रेक्टर कॉमिसारस जो है ये जो इनक्लार्डर है, इनक्लार्डर का जो साथी असिस्टेंट है और एक दुआनिये जो है, इन लोगों का जो इन लोगों का गिरफ्तार किया गया है, ये अन रहमातख ऐलान किए हैं, यह कानूनन सही नहीं है। लेकिन इस पर ओपन बार मिनिस्ट्री जो है बरुक में गए हैं, बरुक दस्तखत किए हैं। 3 दिन के अंदर यह बरुक पर गौर किया जाएगा, ये जो मुकदमा है ये बहंदल किया जाएगा, जज के सामने पेश होगा। इस मामले में ये इनक्लार्डर के अलावा इनका जो असिस्टेंट है, 4 दुवानियस जो है और एक एक्सपोर्टर और 3 और कार्यकर्ता SBB का स्टिफ्टिंग बॉस पेहर एंड बॉस टू सेख का गिरफ्तार हुए हैं। यह मामले में आगे खोजबीन हो रहा है। बीते हुए 2 फे को सूरीनाम से पुलिसी बॉन्ड जो है, सिपाही जो है, जो लोग भर्ती इस बॉन्ड में, ये सब हड़ताल किए हैं। ये सब एक प्रोटेस्ट अक्सी किए हैं और ये प्रोटेस्ट अक्सी जो लोग किए हैं, शुरुआत हुए है असम्बली खुबाओ, जहाँ पर पार्लियामेंट पंच करे, वहाँ पर फीस प्रेसिडेंट रोनी ब्रंसवेग और मारिनस बे जो फोर्सेटर है पंचघर का, इनसे बातचीत हुआ है। और इन लोगों से बातचीत करने के बाद लोग प्रेसिडेंट सांतोखी से किए हैं। वैसे प्रेसिडेंट संतोखी यह इतला कर चुके थे कि इन लोगों से बात करने वाले हैं। प्रेसिडेंट इन लोगों के बातें सुने हैं, खासतौर पर बस्तियों जो SPB का है, सूरीनाम से पुलिसी बॉन्ड का है, यह ऐलान किए हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं जो जिस पर कई दिनों से लोग बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस पर गौर नहीं किया जाता है और इन लोगों का जो मांग है यह पूरा नहीं होता है। बातचीत हुआ है SFF फर्शेकरिंग के बारे में, लोग चाहते हैं एक फ्रेया अलखहील फ्रेया मेडिसे फर्शेकरिंग मेडिसे फोर्शिनिंग
लोन आन पासिंग के बारे में, तनख्वाह के बारे में लोग बात करना चाहते हैं। बोफोर्दरिंगन और ऑपलाइडिंगन जो कितने दिनों से ऑपलाइडिंग नहीं आई है, इस बारे में भी लोग बात करना चाहते हैं। आगे में यूनिफॉर्म और भी दूसरे ज़रूरियात जो इन लोगों को काम के समय अपने नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए ज़रूरत है, इस बारे में भी लोग बात करना चाहते हैं। आगे में पोलिसी बॉन्ड ये कहा है कि जिस हालात में इन लोगों को काम करना है, ये सही नहीं है, साफ जगह नहीं है, और मतलब ये है कि हिहियन पर गौर नहीं किया जा सकता है। तो पोलिसी ब्यूरोज़ पर भी काम करना, यहाँ पर कुछ बदलाव लाना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तमाम बातें जो है, ये बातचीत किया गया इस बारे में, और पॉलिसी बॉन्ड भी आईएमएफ के बारे में बातचीत किया है, जो अंदर हमदलिंग आईएमएफ के साथ बातचीत हुआ है, और जो मातृखलन इसके बाद आने वाली है, इस बारे में भी लोग बात किए हैं। प्रेसिडेंट संतोखी ने कहा है इन तमाम बातें सुनकर कि उन्हें पता है मुश्किलात है, और उन्हें पता है कि इस पर कई दिनों से गौर नहीं किया गया है, लेकिन ये वादा किए हैं एसपी बे के साथ, पॉलिसी बॉन्ड के साथ, बेफे को, कि इन लोगों के साथ बातचीत होगा और यह तमाम मामला जो है इस पर गौर किया जाएगा, जो इन लोगों का मांग है इस पर गौर किया जाएगा, और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। संतोखी कहते हैं, प्रेसिडेंट संतोखी कहते हैं कि सरकार भी तैयार है हर एक को सलाह रश्वर होकिंग देने के वास्ते, लेकिन बात इसमें यह है कि सभी फकबोंदन जो है, ये एक दूसरे से सहमत नहीं है, और मुश्किलात यहीं से पैदा होता है। आईएमएफ के बारे में पॉलिसी बॉन्ड जो बातचीत किए हैं, इस बारे में आने वाले दिनों में और खुलासा इन लोगों को दिया जाएगा और जानकारी दिया जाएगा। ये जो बातचीत होगा, ये बातचीत जारी किया गया है, बीफे के रात से बातचीत इस मामले के बारे में हो रहा है, और पॉलिसी बॉन्ड के साथ आज सनीचर को भी बातचीत चालू हुआ है। इसके अलावा ये लोग तय किए हैं कि क्लस्टर फरबांत में 4 मीटिंग्स होगा, जहां पर बात किया जाएगा रेसोल्यूशंस बिस्किकिंगन ऑपलाइडिंगन पॉलिसी आउटरस्टिंग वर्क ओमसोंदेखेदन दिनस्ट्रोस्टर आईएमएफ हेयरस्टाइल प्लान के बारे में भी बातचीत होगा। आईएमएफ और हेयरस्टाइल प्लान, ये बीबीएस मिनिस्टर फन बाउतलॉन से साकन इसके बारे में कुछ खुलासा करने वाले हैं। साथ में फ्रेय खनीस कुंदख बहंदलिंग कापेस लेदन के बारे के वास्ते इसके बारे में भी बातचीत होगा। तो मतलब ये है कि आने वाले दिनों में बातचीत जारी किया जाएगा। एक हादसा हुआ है, एक मामला हुआ है लेली दौर पर वैख में, और इसमें योहान सौफ नेखनन सैफ इंतहियार और इनके बीवी अख्तन सैफ इंतहियार सौफ ग्लासर या ख्लासर बीफे के शाम को इन दोनों का लाश मिला है मकान लेली दौर पर वैख में। ये दोनों का जो दामाद था, ये दोनों लाश पाई है, जब इनके बीवी जो है, मतलब ये अख्तबार जो है, मियाँ बीवी जिनका देहांत हुआ है, इन लोगों के बेटी अपने पति से कहा है जाकर देखने के वास्ते, इनके पिता और माँ माँ बाप के घर पर देखने के वास्ते, क्योंकि ये आदमी जो है जिसका देहांत हुआ है, ये कई दिनों से परिवार से कहा था कि इन्हें अब जीने के चाह नहीं है। ये हो सकता है कि पहले अपने पत्नी अपने बीवी के गला घोटकर ये खुदकुशी किए हैं, फांसी लगा लिए हैं। ये लाश जो है एक घर के बाहर मिला है, आदमी का लाश घर के बाहर मिला है, रसरी में टंगा हुआ था, और जो बीवी इनके है, ये स्त्री का लाश जो है, ये रोलस्टूल में मिला है, इनके गला घोटने से देहांत हुआ है। पुलिस खोजबीन किए हैं, और खोजबीन करने के बाद ओपन बार मिनिस्टेरी से बातचीत करने के बाद दोनों लाशों जो है परिवार को दिया गया है। पिछले दिनों में हम आपको भी बताए थे ताफल बैरख के मामले में, जहां पर 903 किलोग्राम कोकाइन मिला है। ये कोकाइन के जो मामला है, इसमें पुलिस जो है, ये सब मिलिटेर ऑफिसर रोमानियो कालीदीन 40 साल का इसके तलाश में है। अभी तक तलाश जारी है, यह आदमी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन ये कहा जाता है कि इनका बहुत बड़ा हाथ है, इस द्रुख से ताल्लुक़ है। वहाँ पर ताफल बैरख पर यह 28 अप्रैल को ये कोकाइन मिला है। उस वक्त जब ये हुआ है, ये लोग ये कोकाइन पाए हैं, तो वहाँ पर एक कुबान मौजूद था, जो कब्जे जो हिरासत में लिया गया है, इनको गिरफ्तार किया गया है।
इन तमाम लोगों पर इल्ज़ाम है कि ये सब क्रिमिनल और खानी साजिश में हिस्सा लिए हैं, बेकानूनी कार्य किए हैं। ये सब पर इल्ज़ाम भी है ओवर ट्रेडिंग फंड वेट फॉर मिडलन और ओवर ट्रेडिंग फ्यूर वापन वेट का। इस मामले में पुलिस खोजबीन कर रहा है और काली दिन के तलाश कर रहा है। मिनिस्टर फॉलक्स खुशोंथेत का ये ऐलान किए है कि जो वीकेंड लॉकडाउन, पिछले हफ्ता वीकेंड लॉकडाउन निकाल दिया गया था, ये वीकेंड लॉकडाउन जो है ये जारी होगा। ये वीकेंड, इस वीकेंड में ये हम सब भी टोटल लॉकडाउन में है और आने वाले वीकेंड के लिए भी टोटल लॉकडाउन ऐलान किया गया है। ये शनिचर 22 तारीख और एतवार 23 तारीख कल टोटल लॉकडाउन रहेगा और ये टोटल लॉकडाउन जो है कल सुबह के शाम 6 बजे से शुरुआत हुआ है और जारी रहेगा। यह लॉकडाउन ख़त्म होगा सोमवार के सुबह 5 बजे। ये ऐसा भी रहेगा शनिचर 29 तारीख और एतवार मई के 30 तारीख, जब सुबह के शाम 6 बजे 28 तारीख को यह लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और सोमवार 31 तारीख मई सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बाकी के दिनों के वास्ते अर्थांश फरबौत के लिए कहा गया है समय जो है यह है, यह फरबौत है, मतलब लॉकडाउन शुरू होगा, आफ एंड क्लॉक शुरू होगा शाम में 6 बजे से, यह रहेगा अगले दिन सुबह 5 बजे तक। यह भी कहा गया है सभी ओवरहेड्स कंतोर जो है, ये सरकार के सभी दफ्तर जो है यह 20 और 19 तारीख मई से बंद रहेगा। सिर्फ एसेंशियल दिन जहां पर ज़रूरी रहेगा काम पर आने के लिए, या आपका लैरिंग हेफिंद या डायरेक्सी जो है आपसे ऐलान करेगा, आपको बताएगा कि आपको नौकरी पर आना है या नहीं और कितने समय तक आपको नौकरी पर रहेगा। यह भी कहा गया है कि जो लोग काम पर आएगा मिनिमल सेटिंग के साथ लोगों को काम करना है, जितना कम लोग हो सकता है उन लोगों को वहां पर मौजूद होना चाहिए। 20 तारीख मई से कल सुख से सभी मॉल्स, क्लेडिंग साकन और देताई हंडल साकन सभी बंद है, सभी बाजार मार्केट जो है बंद है, सभी स्कूल भी बंद रहेगा। फ्लोखतन सिर्फ रहेगा कारखों के वास्ते, एसेंशियल अगर ज़रूरी है मतलब बीमारी या मृत्यु के कारण तो आपको इजाज़त मिल सकता है सफ़र करने के वास्ते या रेपात्रियासी के लिए। जो लोग बाहर देश में है, लोग अपना देश वापस आना चाहते हैं तो उन लोगों को मौका दिया जाएगा सफर करने के वास्ते, उड़ान करने के वास्ते। खुला रहेगा जनता के वास्ते सुपरमार्केट, बकरेयन, अपोतेकन, द्रोखेस्तरेयन, पॉलीक्लिनिकन और भी स्लाह रेयन। सभी आलमेन रेखल्स लागू है और इस पर ज़रूर आप गौर करना। यह भी लोगों से, जनता से गुजारिश किया गया है, अगर ज़रूरी नहीं है बाहर जाने के लिए, सड़क पर जाने के लिए, तो आप मत जाइए, अपना घर पर आप रहिए, क्योंकि वहीं पर आप सुरक्षित रहेंगे, वहीं पर आपके लिए सबसे ज़्यादा हिफाजत जगह रहेगा। सिर्फ मेडिसन नोट खफालन के वास्ते, ज़रूरी काम के वास्ते, या अगर घर से आपको निकलना है, बाहर जाना है ख़रीदारी करने के वास्ते सुपरमार्केट में, तो आप जाइए। यह भी कहा गया है अकेले आप जाइए और लोगों के साथ मत जाइए, अपना लिस्ट के साथ आप जाइए, जो भी ख़रीदना है ख़रीद कर आप वापस घर जाइए। ये रेहल्स जो बताया गया है, ये तो कहा गया है कि जून के 3 तारीख तक लागू रहेगा, लेकिन बीच में हालात को देखकर अगर ये बिस्मैतिंगन बढ़ता जाएगा तो हालात को देखकर हो सकता है कि मात्र रेहलन जो है ये फर्शरब किया जाएगा, इसमें कुछ बदलाव आएगा। सामस होलिंग के वास्ते कहा गया है कि एक जगह पर 5 लोगों से ज़्यादा एकत्र नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा या लोग जश्न करेंगे, इसके लिए भी एक फरबौत है, मतलब बिल्कुल मना है, हर्ष फेस भी मना है। अगर ये पता चलेगा पुलिस को तो कोविड वेट के आधार पर आपको बूता यानी जुर्माना भरना पड़ेगा। वे इनकॉम्सन जो है रॉ सीटिंग एंड आउटफार्टन और रिलीजियस वे इनकॉम्सन, इसके लिए 10 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर एकत्र नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी के रॉ सीटिंग में, मतलब मातम मनाने के लिए या किसी के दुख में शामिल होने के लिए या अंतिम दर्शन के लिए यानी आखिरी विदाई लेने के लिए आप जाएंगे, तो आप जाइए वहाँ पर, जो आपको करना है आप कीजिए और वहाँ से वापस आप जाइए, वहाँ पर मत रुकिए, ये कहा गया है। और ये 3 पर्सोन जो कहा गया है रिलीजियस या रॉब इनकॉम्सन के वास्ते, ये जगह को देख कर कहा जाता है, अगर छोटा जगह है तो यहाँ पर भी इजाज़त नहीं, क्योंकि अंदर हाल्फ में इधर ऑफ पर भी आपको गौर करना है।
वैसे हम आपको ये भी बता दें कि ये बार बार कहा गया है कि सभी जगह जो है, सभी जो आईसी बेडन है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट पर जितने भी जगह है, सभी भरा हुआ है। यहाँ पर कोई जगह नहीं है मरीज को वहाँ पर दाखिल करने के वास्ते। और हम बात करते हैं अकादेमी सिकन हाउस पर हमारी वो के आईसीयू, स्लॉन्स हॉस्पिटल, सेंट विंसेंशियस सिकन हाउस और दिया कोनेस सिकन हाउस के बारे में। इंटेंसिव केयर जो है यहाँ पर इन लोगों पर, यहाँ के सौरख जो है इस पर काफ़ी दबाव है। ये फैसला भी लिया गया है कि रेख रियासी ओर्दन जो है ये 20 फे 19 तारीख मई से बंद है। सभी रेख रियासी ओर्दन बंद है। सरकार जो सही फर्श है, जो बसमैटिंग दिन पे दिन ऐलान किया जाता है कोविड के डैशबोर्ड से, यहाँ पर देखकर ये फैसला लेगा कि मातृखलन इसी तरह से जारी होगा, फर्श खैरप होगा या फर्श शुपल होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो बसमैटिंग है ये दिन पे दिन बढ़ता जाता है, तो ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि फर्श शुपलिंग तो अभी तक मुझे दिखाई नहीं देता है। ये मातृखलन जो है ये सरकार को पता है, इससे काफ़ी बुरा असर होता है, काफ़ी हानि लोगों को होता है। लेकिन अगर बसमैटिंगन देखा जाए तो सरकार के पास कोई और चारा नहीं है आपके बचाव के वास्ते, अपने जनता के बचाव के वास्ते ये मातृखलन लेने के लिए। ये हम आपको बता दें कि मई महीना के वास्ते 39 नेहनन दर तक लोगों का देहांत ये कोविड 19 वायरस से हो चुका है। और कोविड टेलर इस वक्त जो है, हम बात करते हैं आपसे, तो 203 फेर तक पर आकर पहुंच गए हैं। अब तक के लिए सबसे ज़्यादा बसमैटिंगन कल ऐलान हुआ है। 107 तक लोग, 107 तक बसमैटिंगन कल ऐलान हुआ है। वैसे कोविड के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि लोगों को, जनता को पुकार किया जाता है जाकर वैक्सीनेट करने के लिए। लोगों को पुकार किया जाता है वैक्सीनेट करने के लिए। आप ऑनलाइन रजिस्टर करवाइए और जाइए कोई भी जगह पर जहां पर वैक्सीनेट होता है, वहां पर जाइए वैक्सीनेशन के वास्ते। ये जो लॉकडाउन है, लेकिन तो भी ये फैक्सीनासी लोकासी जो है, फैक्सीनासी कोविड के वास्ते ये जारी हो रहा है इस वीकेंड में। सस्तख प्लसस जो है, जो लोगों का उम्र है 40 एंड 60 साल में अंदर लिखने क्लाफ्टन, मतलब जो लोग बीमार है, शुगर सिकते, हो ब्लड ड्रुक, नीर सिकते या ओवरगेविक्ट है, साथ में लेर क्राफ्टन और खवापंद मख्तन जो है, आज शनिचर और कल एतवार को लोगों को इजाज़त है जाकर वैक्सीनेट करने के वास्ते। अकादेमी सिकन हाउस पर हमारी बो के पास 8 बजे सुबह से शाम 3 बजे तक। हेल्थ कंट्रोल डॉक्टर शोभिरत मोन्सरात सुबह 8 से दिन में 2 बजे तक। PCS के पास 8 बजे सुबह से दिन में 2 बजे तक। और तैखर क्रिक सारामाका पर सुबह 8 से दिन में 12 बजे तक। नेवने केरी में 8 बजे से दिन में 2 बजे तक। ये आज शनिचर के लिए और भी कुछ जगह थे, लेकिन कल एतवार को ये समय जो जगह हम आपको बताए हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं फक्सीनासी के वास्ते। और आप ये कहेंगे कि लॉकडाउन है तो कैसे हम जाएंगे, पुलिस हमें गिरफ्तार करेंगे। जो लोग पहली मतवा जाते हैं फक्सीनेर करने के वास्ते, एरस्त प्रक्रिया जो लोग लेंगे, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है। ये रजिस्ट्रासी का एक स्क्रीनशॉट आपको बनाना है और ये स्क्रीनशॉट के साथ आप जाइए। अगर पुलिस आपको सवाल करेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये स्क्रीनशॉट आप दिखा सकते हैं कि आप रजिस्टर करवाए हैं। कोर्ट रुता आप लीजिए जितना जल्द हो सके, आपके घर से जहाँ पर आप जाएंगे फैक्सीनेट करने के लिए, फैक्सीनासी लोकासी तक आप लीजिए। फैक्सीनेट करके वापस जितना जल्द हो सके उसी रुत से, कोर्ट रुत से आप वापस घर जाइए। जो लोग त्वरित प्रेक लेने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये लागू है। कॉर्प्स दरुता आपको लेना है और आपके पास ये बवेस होगा कि आप फलेद फैक्सीनेर हुए हैं, 2 प्रेक किस 2 फैक्सीनासिस आप ले चुके हैं, 2 फैक्सें आप ले चुके हैं, तो ये आप पुलिस को दिखा सकते हैं। तो इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए कि इसमें डरने की बात नहीं है। अगर आपके पास ये जायज़ कारण रहेगा और आप ये साबित कर सकते हैं कि फैक्सीनासी के लिए आप जा रहे हैं, तो इस पर आपको कोई मुश्किलात नहीं होगा।
एक आखिरी खबर जो हम आपको बताना चाहते हैं कि फर्नांडिस वाकरे जो है ये ब्रेड का दाम जो है फिर से उठा दिया है और ये आज सनीचर से ये ब्रिस्ब्रोड और क्लेम ब्रोड बॉलन जो है कुल मिलाकर 9 प्रोडक्ट्स जो है फर्नांडिस वाकरे का इसका दाम बढ़ा दिया गया है। तो इस पर ज़रूर आप गौर कीजिए, ये फर्नांडिस वाकरे कल सुबह को ऐलान किए है। लॉकडाउन वीकेंड है, बच के आप रहिए, कहीं पर नहीं जाना है, घर पर आप रहिए। अब जा भी नहीं सकते हैं आप, सिर्फ अगर आपको डिस्पेंसरी है, आपको काम के लिए बाहर जाना है तो आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन से बाहर जो लोग बाहर जाते हैं सभी कोविड 19 के अखमेन मात्र पर आप ज़रूर गौर कीजिए, ये आपके हिफाजत के लिए, आपके भलाई के लिए, आपकी तंदुरुस्ती, आपके सेहत के लिए है और भी आपके आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप बिस्मित होंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बीमार कर देंगे। इस पर ज़रूर आप गौर करना। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।